ये देखो भाई, ये अपनी वो प्रो कबड्डी में जो ड्रेस चलती है वही वाली ड्रेस है। अगर आपको ये ड्रेस बनवानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ये राजकुमार ब्रिज के ऊपर से इंदौर में, और क्राउड देख रहे होंगे आप लोग। और भाई, अभी हम लोग यहाँ बस का वेट कर रहे हैं, और अभी हम लोग चल रहे हैं अंकेश भाई की फैक्ट्री के तरफ। अंकेश भाई जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर, और अभी बस से चलेंगे अपन और स्कूटी उठाएंगे और फिर चलेंगे शॉपिंग करने। और ये आदर्श भाई तो आज नहीं आऊँगा बोल रहे हैं। और भाई, आप आओगे कि नहीं? आपका। और अभी हम लोग यहाँ बस का वेट कर रहे हैं, और भाई पता नहीं चल रहा वैसे टाइम गुजर रहा है पब्लिक को देखते देखते। ऐसा क्यों आदर, पता नहीं चल रहा वैसे टाइम गुजर रहा है, टाइम पता नहीं चल रहा वैसे गुजर रहा है, ऐसा क्यों? छोटा दिन है, छोटा दिन है। चलो वो बस वाले से पूछते जा रहे हैं क्या, वहाँ तक ले जा लेंगे। और भाई यहाँ बहुत सारी ट्रेनें खड़ी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आई है या जा रही है, बन रही है। कौन सा प्लेटफॉर्म है ये? कौन सा प्लेटफॉर्म है? हाँ, पाँच छः। इले नगरी कहाँ से बनेगी? 1 बजे वाली जा रही थी। हाँ, ये 1 बजे वाली होंगी, पेंचोली। और गाइस, ये पेंचोली खड़ी हुई है अपनी, मतलब जो छिंदवाड़ा तक जाएगी, ये अभी 5-10 मिनट से निकल जाएगी गाइस। ये इधर साइड पे देखो, हाँ ये आरी वाली पता नहीं कहीं तेज जा रही है भाई, ये तो यहाँ रुकी भी नहीं ऐसा लग रहा है। मुंबई मुंबई जा रही होंगी, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही है? वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी, कटरा जा रही है भाई, कटरा। अच्छा, ये यहाँ से बनेगी फिर ये भोपाल जाएगी, फिर भोपाल से फिर वो रूट बदलती है, और इसी गाड़ी से अपन वैष्णो देवी गए थे गाइस, मालवा सुपरफास्ट। बेइज्जती कर दिया यार भाई, नहीं ले जा रहा अपन को, बहुत दूर जा रहे क्या अपन? और गाइस, अभी अपन बस के अंदर आ चुके हैं और चुप चुप के वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अगर कंडक्टर भैया देख लेंगे तो वीडियो बनाने नहीं देंगे। और भाई, मतलब दिन में अपन ब्लॉग नहीं बना पाए, मतलब पूरी हालत खराब हो चुकी थी, खाना भी नहीं खाया आज। और ये अभी हमारी पैकिंग चल रही है यहाँ पे, इसको हम लोग बस पे रखवाएंगे। और ये अभी अंकेश भाई आ गए हमारे पास, और ये अपने विजय भैया, कैसे हो भैया? बस बढ़िया। हाँ, और आदर्श भी चकाचक हो गया भाई, कहाँ जा रहे हैं? तू भी घर चल रहा क्या? ये काहे में लेके जाना? ये मिगलानी भैया। और ये अपने सुनील भी अभी तैयार हो चुके हैं भाई। और ये हमारे एक और भैया है, क्या नाम भी आपका? राहुल यादव। राहुल यादव भैया। और अब अपन चल रहे हैं भाई इसको पैक करके बस स्टैंड की ओर। और ये अंकेश भाई ने 2 मिनट भी नहीं लगाया, पैक कर दिया। अबे सीखो बे कुछ, अपन एक घंटे से कर रहे थे। डबल कर दे तो वही। अभी अपन ये आ गए स्टैंड, और अभी अपना सामान रखा रहा है इधर ऊपर साइड पे, और ये रहा अपना कार्टून। पकड़ना अंकेश, और ये अभी अपने सुनील भैया जाने वाले हैं। हाँ, सीट लेंगे। ठीक है, ये गोली उतरेगी सुनील भैया, तो चले आप अपन। किसी को डराना नहीं लेकिन। हाँ,
और भाई अभी हम लोग आए इधर गंगवाल बस स्टैंड साइड चंदन नगर पे, और हम लोग इधर एक भैया से ड्रेस लेने आए हैं कबड्डी की। अब देखते हैं भैया कब तक आते हैं, और फिर अपन ड्रेस लेंगे उनसे और फिर चलेंगे अपन रूम की ओर। और अभी अपन ने कुछ खाया भी नहीं है, और आदर्श भाई पता नहीं किधर चले गए, अब यहीं वेट कर रहा हूँ मैं। और गाइस ये भैया से हमारी पहली बात मुलाकात हो रही है, और ये अपने जीतू भैया का फ्रेंड है शायद। और भैया कैसे हो? अरे पता है वो भैया ने ना किसी और भैया का नंबर दे दिया था। अच्छा। फिर वो बोलते हैं कि अभी तो ड्रेस आई नहीं। और भाई ये अभी हमारा जो पार्सल आया है कबड्डी किट वाला, ये अभी हम लोग ओपन कर रहे हैं इसको, अब देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्वालिटी इसकी। ये लाइक्रा में बनवाया है अपन ने। और अभी भैयों ने चक्कू लाया है भाई, ये फट नहीं रहा था हमसे, जो पैकिंग थी बहुत करी पैकिंग करके दिए थे भैया ने। और ये भैया अभी ओपन करके दिखाने वाले हैं आपको ड्रेस, ये पूरी लाइक्रा में बनी है भाई। और गाइस जैसा अपन ने दिया था मतलब भैया को जैसा मतलब ड्रेस बनाने के लिए दिया था सेम टू सेम बनाया है भैया ने। और भैया थोड़ा स्ट्रेच करके दिखाइए ना, ये देखो भाई ये अपनी वो प्रो कबड्डी में जो ड्रेस चलती है वही वाली ड्रेस है। अगर आपको ये ड्रेस बनवानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, लेकिन भाई टाइम लगता है ना, 10 से 15 दिन अप्रोक्स। और ये देखो चड्डा भी पेवर लाइक्रा, ड्रेस फटेगी नहीं गाइस और साइनिंग कभी जाएगी नहीं इसकी। और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रूम की ओर, और भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। और भैया मतलब बहुत सीनियर प्लेयर है यार, क्या बताऊँ अब आप लोगों को मैं भैया के बारे में, भैया से अभी बात कर पता चला। और भैया का 12-13 बार नेशनल हो चुका है। और भैया अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हो? मतलब स्पोर्ट्स कोच है भैया, अगर किसी को मतलब जैसे ट्रेनर है वहाँ पर, तो अगर किसी को अगर कांटेक्ट करना है मेरे से तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको एडमिशन दिलवा सकता हूँ भैया के थ्रू, है ना भैया? करवा दोगे ना? ठीक है भैया ना। और भाई अभी हम लोग आ गए थे यहाँ एक रेस्टोरेंट पे, कौन सा रेस्टोरेंट है ये? राजा राम रेस्टोरेंट पे। और अभी हम लोग यहाँ खाना खा रहे हैं क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, और अंकेश भाई भी भूखे लग रहे थे मेरे को, और आदर्श ने भी नहीं खाया था भाई अपने साथ, तो अभी अपन यहाँ खाना खाने आए। और बहुत बुरा लग रहा है कि सुनील भैया को बिना खाना खिलाए भिजवा दिया अपन ने। चलो अब अपन खाते हैं और फिर मिलते हैं भाई आप लोगों से।